Hello students, welcome to Vidya Mandir classes. I am Shikha Sharma, your botany faculty. So today I will be teaching you some interesting chapter. And before that, if you are new to this channel, please like, share and subscribe to our YouTube channel, that is VMC Neet. So talking about the chapter today, so we will be doing revisions, right? So I am taking the very first chapter, that is life processes. Okay, in the very first place, I just want to make you understand what are life processes. क्या होते हैं life processes? Basically, अगर मैं बोलूं कि any processes, okay, we are doing, any living organism is doing to sustain life is the life process. Like, जैसे हमने अगर बात करी, talking about life processes, हमें खाना बहुत important है, right? So, we talk about the nutrition. ठीक है? So, these are few life processes I am writing it down here. ठीक है? अब उसके बाद आपको respiration is very important, right? So, हम बात करते हैं talking about the respiration. Right? अब कोई भी living organism हो बेटा, कोई भी living organism, I mean to say, या तो वो unicellular हो, या फिर वो multicellular हो, दोनों ही सिचुएशंस में वो सारे लाइफ प्रोसेसेस करेगा. ऐसा नहीं होता कि अगर यूनिसेलुलर अमीबा है तो वो पर्टिकुलर रेस्पिरेशन न्यूट्रिशन नहीं कर सकता, राइट? वो भी कर सकता है और मल्टीसेलुलर ह्यूमन बीइंग भी कर सकते हैं, कोई एनिमल भी कर सकता है, प्लांट भी कर सकता है, राइट? सो अगर आपका कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वेदर इट इज यूनिसेलुलर और इट इज मल्टीसेलुलर, ये दोनों ही बेटा क्या कर सकते हैं, दे कैन एक्चुअली डू द लाइफ प्रोसेसेस. लाइफ प्रोसेस इज समथिंग विच लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड टू सस्टेन लाइफ. क्लियर? मूविंग फॉरवर्ड विद द अनदर पार्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप लिविंग कैसे बताओगे? एनी आइडिया? कोई भी आपने देखा कि अमीबा है, ठीक है, अमीबा इज ऑल्सो लिविंग. अमीबा हो गया, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ठीक है. अब मुझे बताओ कि आप किसी भी चीज को लिविंग कैसे बताओगे? हाउ कैन यू से कि अच्छा ये लिविंग चीज है और ये नॉन लिविंग चीज है? वो उन सारे लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करेगा, राइट? अगर मैं बात करती हूँ न्यूट्रिशन की, तो ऑब्वियसली दैट विल बी देयर. उसमें कोई ग्रोथ हो रही होगी, ठीक है, वो भी होगा. उसमें कोई रिप्रोडक्शन हो रहा होगा, राइट? तो ये सारी चीजें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगी. क्लियर? नाउ टॉकिंग अबाउट दी थिंग्स विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म डू. सो इन द वेरी फर्स्ट प्लेस लेट्स अंडरस्टैंड, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक कैरेक्टरिस्टिक है, चाहे वो यूनिसेलुलर है चाहे वो मल्टीसेलुलर है, राइट? दे हैव दिस एबिलिटी टू मूव, ठीक है? ऑब्वियसली ये लोकोमोशन कर सकते हैं. क्लियर? उसके बाद दे कैन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, ठीक? उसके बाद हम बात करते हैं दे कैन रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट. तो यहां पे अगर मैं बोलूं कि एनी रिस्पॉन्स टू दिस स्टिमुलाय, आपका नर्वस सिस्टम वर्क कर रहा है इस चीज पे, राइट? सो दीज कैन बी द थिंग्स. कैन गेट रिड ऑफ द वेस्ट मटीरियल, एक्सक्रीशन, ठीक है? ऐसा तो नहीं हम सिर्फ खाते रहते हैं, ठीक? वी ऑल्सो एक्सक्रीट दैट आउट, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है हम उसको एक्सक्रीट आउट भी करते हैं. सेम इज द केस विद द प्लांट्स ऑल्सो एंड सेम इज द केस विद द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो, राइट? टर्न फूड इन टू एनर्जी, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन विल बी देयर, राइट? तो वो रेस्पिरेशन होगा. मूविंग फॉरवर्ड विद टेकिंग ऑफ द फूड, दैट इज न्यूट्रिशन. आपको अपनी लिविंग रहने के लिए आपको फूड का रिक्वायरमेंट होगा, आपको इन सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होगी बेटा. गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है? सो दीज ऑल आर फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको चाहिए होगा, किसके लिए? फॉर दिस लाइफ टू सस्टेन. क्लियर? मूविंग फॉरवर्ड ऑन टू द थिंग्स विच वी एक्चुअली डू, ठीक है? इस पूरे लाइफ प्रोसेस चैप्टर की अगर मैं बात करूं, सो देयर इज, मतलब
इसमें तुम्हारे पास पांच चीजें हैं, राइट? यू हैव न्यूट्रिशन, डाइजेशन, ठीक है, उसके बाद आपके पास एक्सक्रीशन है, ठीक। अब ये दोनों ही चीज में हम पढ़ रहे हैं, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में, ठीक है। सो वी विल बी टेकिंग ईच एंड एवरी पार्ट वन बाय वन, ठीक है। सो देयर इज न्यूट्रिशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, सेंसिटिविटी एंड ग्रोथ। अंडरस्टैंड इट, ठीक है। अब हम सबसे पहली चीज की बात करेंगे यहाँ पे, दैट इज योर न्यूट्रिशन, ठीक है। नाउ बेटा, व्हाट इज न्यूट्रिशन? ये सारी चीजें जो तुम देख रहे हो, ये सारा क्या है? दिस इज न्यूट्रिएंट, राइट? एनीथिंग विच गिव्स यू एनर्जी, राइट? व्हाटएवर थिंग्स यू आर टेकिंग इन, ठीक है, जो भी न्यूट्रिएंट्स आप टेकिंग करते हो, उस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। सो अगर मैं बोलती हूं तुम्हें द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, इज नोन एज व्हाट? न्यूट्रिशन, ठीक है। तो बेटा हम प्रोसेस को न्यूट्रिशन बोलते हैं, गेटिंग माई पॉइंट? सो द प्रोसेस इज न्यूट्रिशन एंड वट एवर यू आर टेकिंग इन इज योर न्यूट्रिएंट्स, ठीक। अब ये जो तुम्हारे पास न्यूट्रिएंट है, ये दो टाइप का मिलेगा आपको, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली योर व्हाट? एक तो हो जाएगा आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है, और एक हो जाएगा आपके पास मैक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है। बाय द नेम इटसेल्फ यू कैन अंडरस्टैंड क्या चीज। जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट है बेटा, वो बॉडी में कम अमाउंट में चाहिए होगा, उसकी कमी आपको आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पता चलती है, ठीक है। टॉकिंग अबाउट द मैक्रो न्यूट्रिएंट, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट का क्या होता है कि आपको लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है, ठीक है। अगर मैं मैक्रो न्यूट्रिएंट की बात करती हूँ, से फॉर एग्जाम्पल आप पूरे दिन से भूखे हो, आपने कुछ नहीं खाया, ठीक है, फ्रॉम द वेरी मॉर्निंग आपने कुछ भी नहीं खाया, व्हाट विल हैपन एट द एंड ऑफ द डे? यू विल बी फीलिंग लेथार्जिक, है ना। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या होगी बेटा, कि अगर मैक्रो न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी में नहीं गया है, तो वो आपको इंस्टेंट क्या होगा, दिस विल बी गिविंग यू व्हाट? एनर्जी, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि तुमने सुबह से खाना नहीं खाया है, तो आप में लेस ऑफ एनर्जी विल बी देयर, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं मैक्रो में, तो तुम्हारे पास आ जाते हैं इसमें कार्ब्स, ठीक है, आपके पास आ जाएंगे प्रोटीन्स, ठीक है, और आपके पास आ जाएंगे फैट्स, ठीक। अगर मैं यहां पर तुम्हारे बात करूं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, सो इसमें तुम्हारे पास आ जाएंगे मिनरल्स एंड विटामिन्स। हम ये चीजें कब लेते हैं, मिनरल्स एंड विटामिन्स? जब बहुत ज्यादा हमें कोई डेफिशिएंसी हो जाती है, और ये डेफिशिएंसी तुम्हें बहुत टाइम बाद पता चलेगी, राइट? बट अगर मैं कार्ब्स, प्रोटीन और फैट्स की बात करूं, तो ये डेफिशिएंसी आपको थोड़ा जल्दी पता चल जाती है, क्लियर है? तो यहां पे दिस इज द मेजर थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। न्यूट्रिशन समझ में आ गया, ठीक। यू कैन गेट डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन और दिस द न्यूट्रिएंट्स from your diet, from your daily diet. So, अब nutrition की अगर मैं बात करूं, तो nutrition basically दो type का मिलेगा तुम्हें, कौन कौन सा? एक होता है बेटा autotrophic nutrition, एक होता है आपके पास heterotrophic nutrition. Autotrophic nutrition की अगर मैं बात करूं तुमसे, तो वो क्या होता है कि अगर food खुद बनाया जा रहा है, तो kitchen में जाके नहीं, हाँ कि हम भी, मैं अपना खाना खुद बना लेते तो ऐसा होगा, नहीं। इन केस ऑफ प्रोड्यूसर्स, ठीक है, इन केस ऑफ प्रोड्यूसर्स ये अपना खाना खुद बना लेते हैं, एंड आई मीन टू से ओवर हियर योर ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, योर ग्रीन प्लांट्स बेसिकली।
अगर मैं हेटरोट्रॉफ्स की बात करती हूँ बेटा, सो दे डिपेंड ऑन एनी अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, ठीक है। और एनी अदर वो कौन सा होगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो प्रोड्यूसर्स ही होंगे, ठीक है। योर प्लांट्स आर ओनली देयर, ठीक। अब जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है बेटा, वो तीन चीजों पर डिवाइडेड है। कैसा कैसा होता है, ओके, सो जस्ट अंडरस्टैंड, दिस इज सैप्रोफिटिक, ठीक है, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। सैप्रोफिटिक की कंडीशन में क्या होता है, इन सैप्रोफिटिक व्हाट हैपेंस कि जैसे फंगस, ठीक है, सो दिस इज समथिंग विच इज सैप्रोफिटिक, ठीक। ये डिपेंड करते हैं किसी भी डेड और डीकेइंग मटीरियल पे, डेड और डीकेइंग एनिमल्स पे, ठीक है। सो दिस इज योर सैप्रोफिटिक, ये पहले डाइजेशन कर लेते हैं, आउट ऑफ द बॉडी दे डाइजेस्ट देयर फूड एंड देन इनटेक करते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा हुआ सैप्रोफिटिक। दूसरी कंडीशन आती है तुम्हारी पैरासिटिक। पैरासिटिक को डेड नहीं चाहिए, हाँ, पैरासिटिक रिक्वायर्स व्हाट, पैरासिटिक रिक्वायर्स योर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उसको कोई भी लिविंग होस्ट चाहिए और वो क्या करेगा, उससे ब्लड सक करता रहेगा और अपना न्यूट्रिशन पूरा कर रहा है। वंस द होस्ट इज गॉन, डिजीज हो जाएगा, ऑब्वियसली वीक होता जाएगा, वो कहीं दूसरा देख लेगा, ठीक है। टॉकिंग अबाउट दी होलोजोइक वन, होलोजोइक बेटा क्या होते हैं, जैसे हम ह्यूमन बींग, जैसे अमीबा, राइट। होलोजोइक की एक सिचुएशन क्या होगी, जहां पे अगर मैं बोलूं कि पहले इंजेशन होगा बाद में डाइजेशन होगा, क्लियर, तो दैट इज योर होलोजोइक न्यूट्रिशन। सो लेट अस सी दिस वन बाय वन, ठीक है। अब पहली बार बात करते हैं हम कि नीड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। हम इतनी बातें कर रहे हैं कि भाई न्यूट्रिशन चाहिए आपको, न्यूट्रिशन इससे मिल जाएगा आपको, माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए, मैक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए, ये सारी बातें हम कर रहे हैं, राइट। बट हैविंग सेड दैट, आई मीन टू से कि न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट क्यों है ये, है ना। तो अब अगर मैं बोलूं कि भाई ग्रोथ के लिए तुम्हें न्यूट्रिशन चाहिए होगा, राइट, योर सेल्स आर एक्टिवली डिवाइडिंग, ठीक है। अगर आपके सेल्स एक्टिवली डिवाइड कर रहे हैं, वो सिचुएशन क्या है, ऑब्वियसली दैट इज व्हाट, ग्रोथ होगी आपकी, राइट। अगर आपने देखा हो कि देयर इज, इफ देयर इज सम डेफिशिएंसी ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, तो आपको क्या होता है, देयर इज दिस स्टंटेड ग्रोथ, क्लियर। तो दिस इज योर ग्रोथ बाय द योर न्यूट्रिशन इज रिक्वायर्ड। उसके बाद हम बात करते हैं रिपेयर की। आपकी बॉडी में कहीं पे भी कोई चीज खराब हो जाती है, ठीक है, दैट इज व्हाट, हम ये बोलते ना, अच्छा खाना खाओ, बेटर खाओ, राइट। सो दैट रिपेयर वर्क इज दैट इज इनसाइड योर बॉडी ओनली, ठीक है, बट वो अच्छा न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट लेने से आएगा, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं एनर्जी की। तुम ग्लूकोज पीते हो, हाँ, इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है आपको। वो इंस्टेंट एनर्जी कैसे मिल रही है, बिकॉज ये जो ग्लूकोज है, दिस वॉज द लास्ट फॉर्म, ठीक है। और ये कंडीशन क्या होगी बेटा, कि ये आपको देता है एनर्जी। सो कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज टू प्रोवाइड यू एनर्जी। एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे, हाँ, रेस्पिरेशन के लिए हमेशा ग्लूकोज का ही ब्रेक डाउन होगा जो आपको एनर्जी देगा, कोई और चीज इसमें हेल्प नहीं कर सकती। That oxygen will require your glucose only for giving you energy. हम अभी पढ़ेंगे respiration वाले part में, हाँ। फिर आपकी body की maintenance, ये पूरी maintenance आपके अच्छे खाने पीने से होगी, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा पतले हो गए हो, आप बहुत ज़्यादा मोटे हो गए हो, ठीक है, that is all because of your diet which you are taking. Provision of raw material. अब आपकी body में कुछ कुछ चीज़ें raw material चाहिए होता है, right? जैसे आपके पास ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, सो दैट विल बी बिकॉज ऑफ योर फूड, ठीक। प्रोटेक्शन, अब हमने बात करी थी जब कोविड में इम्यून सिस्टम की, राइट। तो इम्यून सिस्टम कुछ लोगों का कमजोर था, कुछ लोगों का स्ट्रांग था, राइट। दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ यू आर अ गुड हेल्दी डाइट प्लान फॉलो करने वाले हो, हाँ, तो इसलिए ये आपके नीड फॉर न्यूट्रिशन है। होपफुली आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर, क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं ऑन टू द अनदर पार्ट, क्या
टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब हमने बात कर रही थी बेटा अबाउट दी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हमने यहाँ पे बोला कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच प्लांट्स जो प्रोड्यूसर्स होते हैं दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक वो प्रोसेस होता है जहां ये प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, क्लोरोफिल, सनलाइट, और आपको मिलता है क्या, शुगर एंड ऑक्सीजन, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस ओवर हियर, द लाइट एनर्जी विच वी आर गेटिंग इट फ्रॉम द सन इज एक्चुअली कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। यहां पे तुम्हारे पास होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आया बेटा, ये कार्बन डाइऑक्साइड आपको गैशियस एक्सचेंज में मिला, राइट। तो गैशियस एक्सचेंज स्टोमेटा के थ्रू हो रहा था, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक हुआ और ऑक्सीजन बाहर चला गया। उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में बेटा हमने अभी पहले भी बात करी थी कि यहाँ पे दिस इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो आपके प्रोड्यूसर्स फॉलो करते हैं, राइट, जहाँ पे आपके प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहे हैं, राइट, विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ ये प्रोसेस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ। अगर मैं बात करती हूँ फोटोसिंथेसिस की, प्लांट्स खुद खाना बना रहे, क्यों, कैसे, ठीक। यहाँ पे इफ यू कैन सी देयर इज दिस कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, देयर इज दिस सनलाइट, क्लोरोफिल, और आपको मिल रहा है एज अ प्रोडक्ट योर शुगर एंड ऑक्सीजन। अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट वेरी क्लियरली, हाँ। यहाँ पे अगर मैं बात कर रही हूँ कि बेटा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रहा है, इन द केस ऑफ प्लांट्स अगर वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, वो अपना खाना खुद बना रहे हैं, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रहा है, सो दिस इज बेसिकली कमिंग फ्रॉम स्टोमेटा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, सो फ्रॉम द एनवायरमेंट इट इज टेकिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड और गिविंग आउट ऑक्सीजन। ये तो तुम्हारा वहां से आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं वॉटर, दिस वी आर टेकिंग इट फ्रॉम रूट्स, फ्रॉम द सॉइल इटसेल्फ, ठीक है। तो अगर मैं बोलती हूं कि भाई फ्रॉम द सॉइल एंड द रूट्स आई एम गेटिंग दिस वॉटर एंड मिनरल्स, राइट, यहां पे हमें सिर्फ वॉटर की जरूरत है। सनलाइट वी आर गेटिंग फ्रॉम द सन, हाँ। उसके बाद क्लोरोफिल ऑलरेडी प्रेजेंट है प्लांट में, क्लियर। दीज आर द फ्यू नेसेसिटीज विच आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। In result, what we actually get? We get this glucose. We get this glucose, basically the sugars, ठीक है? और हमें मिलता है यहाँ oxygen. Oxygen can be taken as the byproduct over here, क्योंकि अभी जिस वक्त पे पेड़ photosynthesis कर रहा है, उसको oxygen का requirement नहीं है, ठीक है? But in higher class, you will be studying that photorespiration होता है. मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन भी होगा, ठीक है। सो व्हाटएवर वर्क इज डन बाय योर फोटोसिंथेसिस इज अनडन बाय रेस्पिरेशन, ठीक। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ये ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट तब आएगा, क्लियर। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, विच आर मेकिंग देयर ओन फूड, बेसिकली द प्रोड्यूसर्स, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल to give you the glucose and oxygen as a byproduct. Okay, clear है यहाँ तक, कोई दिक्कत परेशानी? आगे बढ़ते हैं talking about these. अब वो तो हो गया autotrophic nutrition, right? जो organism इस चीज को करते हैं उनको हम बोलते हैं autotrophs, clear? So the type of nutrition which plant follows is autotrophic nutrition. Nutrition मैंने पहले ही बताया तुम्हें, एक process है वो। और अगर हम बात करते हैं उन organisms को हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे उनको autotrophs. Now coming on to this beautiful diagram. क्या देख रहे हो आप इसमें? Photosynthesis, हाँ?
कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, सनलाइट मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, राइट? एंड दिस इज गिविंग यू ऑक्सीजन आउटसाइड, बाय प्रोडक्ट मैंने बोला था। और बट इसी लीफ में तुम्हारे पास कहीं तुम्हारे पास क्या बनेगा, ग्लूकोज भी बन रहा है और वो ट्रांसपोर्टेशन होगा उसका, ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट करेगा। और उस ट्रांसपोर्टेशन में बेटा क्या चीज होगी कि ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड टू सुक्रोज एंड फॉर द पर्पसेस ऑफ स्टोरेज ये क्या बन जाएगा, स्टार्च बन जाएगा स्टोरेज के लिए, क्लियर? तो दिस इज द डायग्राम टू मेक यू एक्सप्लेन दिस। कमिंग ऑन टू द स्टोमाटा, नाउ देखो यहाँ पे क्या होती है आपकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अगर मैं बात करूं, सॉरी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमाटा, देखो कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, चेक, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। दीज आर योर गार्ड सेल्स, हाँ, ये बेटा प्रेजेंट होते हैं तुम्हारे पास किस पे, एपिडर्मिस पे, ठीक है। अगर मैं बोलूं देयर इज दिस एपिडर्मिस, ठीक है, ये एपिडर्मिस है, बीच में तुम्हारे पास यहां पे प्रेजेंट है गार्ड सेल्स, ठीक। ये पर्टिकुलर पार्ट को आप बोलते हो स्टोमेटल अपरेटस। स्टोमेटा क्या होता है, ये जो ओपनिंग होती है ना इसको हम बोलते हैं स्टोमेटल पोर। क्या बोलते हैं बेटा, स्टोमेटल पोर। ये तुम्हारे होते हैं गार्ड सेल्स, ठीक है, ये तुम्हारे होते हैं एपिडर्मल सेल्स, एपिडर्मिस वाले, ठीक है। सो ऑन दिस एपिडर्मिस आपके पास प्रेजेंट होता है स्टोमेटा फॉर दिस एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली। जनरल क्राइटेरिया क्या है इसको पढ़ने का, कि आपके पास क्या हुआ, वाटर आया, अब इन सेल्स में वाटर इंटेक हुआ, वाटर इंटेक के साथ बेटा ये क्या हो जाते हैं, टर्जिड हो जाते हैं, क्लियर? सो वाटर इंटेक करने से ये हो गए टर्जिड, मतलब फुल ऑफ वाटर हो गया ये, ठीक है। जब कंडीशन टर्जिड हो जाती है तो उस वक्त पे एडजेसेंट सेल को ये अपना वाटर पास करने की कोशिश करेंगे बाय द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस या फिर डिफ्यूजन, ठीक है। अब जब ये वाटर ट्रांसपोर्ट हो गया उधर, तो यहाँ पे भी ये सेम चीज फॉलो होगी, वाटर यहाँ से आया, ठीक है, इस कुछ पर्टिकुलर सेल से इसमें आया और फिर इसमें आया, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस विल बिकम टर्जिड, प्लस कुछ आयंस भी होते हैं इसमें, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट द मिनरल्स, राइट, तो कुछ आयंस भी होते हैं इसमें। जब ये टर्जिड हो जाएगा बेटा, उस कंडीशन पे तुम्हारे गार्ड सेल्स कुछ इस तरीके से नजर आएंगे आपको, दैट मींस कि आपका स्टोमेटा विल बी ओपन हेयर, ठीक है। लेकिन जब यहां से अगर मान लो कि ट्रांसपिरेशन हो गया, वाटर लॉस हो गया, या फिर ये वापस चला जाता है वाटर, ऐसी कंडीशन में तुम्हारे पास ये हो जाएंगे फ्लैसिड, ठीक है। फ्लैसिड हो गए तो मतलब क्या हुआ, आपका स्टोमेटा हो जाता है क्लोज, ठीक है। आपके गार्ड सेल्स के पास भी नॉर्मल प्लांट सेल्स की तरह सेल वॉल है, गार्ड सेल वैक्यूल है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, और न्यूक्लियस है, ठीक है। जनरल प्लांट सेल की जो हम बात करते हैं वो सारी चीजें इसमें भी है, क्लियर है। सो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर पार्ट, क्लियर। सो दिस पार्ट ऑफ दिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पार्ट, ठीक है। सो ओवर हियर आई हैव कंप्लीटेड योर न्यूट्रिशन इन केस ऑफ प्लांट्स। इतनी सी चीज आपको पढ़नी है। आई विल बी कमिंग बैक विद अनदर वीडियो इन आर नेक्स्ट क्लास, ओके। सो बिफोर दैट आई जस्ट वॉन्ट यू पीपल टू प्लीज लर्न वॉट एवर वी हैव डन एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल, दैट इज VMC Neet। थैंक यू।